ये नदी है, इसमें अभी तक पानी है, तो अभी तो कोई पानी की दिक्कत नहीं है। अभी हम 3 साल हो चुके हैं हमारे यहाँ, मगर एक भी बार हमें पानी की दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पे। तो देखिए ऊपर ये नीम के पेड़ है, नीचे ये सभी रह रही है। और इसमें पानी भी अवेलेबल रहता है, जब चाहे वो पी सकती है। और यहाँ सुबह शाम इसको हरा चारा या सूखा चारा डाल दिया जाता है। ये सभी 1 साल से 2.5 साल तक की उम्र की यहाँ है। देखिए मेरे को देख के सभी अभी मेरे पास आने लगे हैं। देखिए ये सभी हमारे बछड़ी और पाड़ी और गिर बछड़िया है। और यहाँ पे जो पाड़ी हम तैयार कर रहे हैं उसको यहाँ पे रखते हैं। ये पानी जब उसको पीना चाहे वो पानी पी लेती है इसमें से। और यहाँ हम हरा चारा अभी जो मकई इसको भी खिलाते हैं तो यहाँ रख देते हैं, और दोपहर को चरने के लिए जाती है। देखिए बछड़ी, ये भी बिल्कुल सुंदर होने वाली है बड़ी होके। और इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत ही शानदार था, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके अंदर जो कीड़े मारने की दवाई होती है वो देनी पड़ेगी, पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो मारने की दवाई इसको अब देने का टाइम हो चुका है। ये जो बछड़ी है दूसरी बछड़ी को मेरे पास नहीं आने देती, जो आती है उसको वो सिर लगा के। देखिए मैं जहाँ जाता हूँ वो आगे खड़ी हो जाती है, दूसरों को मेरे पास नहीं आने देती। देखिए ये बछड़ी है ना, तो इसको मैं जो देखिए देखिए जो आ गई देखा। देखिए छोटे बड़े सभी हमारी बच्चियाँ यहाँ हमारे डेयरी फार्म पर तैयार हो रही है। ये सभी ने फीड खा लिया है। अब इसको शाम को जो मकई है उसकी कटिंग, हरा चारा इसको खिलाया जाएगा। ये जब 1.5 साल के बाद हमारे यहाँ हमको एक भी भैंस खरीदनी नहीं पड़ेगी, भैंस या गिर गाय, सभी हमारे डेयरी फार्म पर ही ये नन्हे बच्चे तैयार हो रहे हैं। अभी इसको बड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, मगर ये सभी जो आप देखिए देख रहे ये सभी दूध वाली नस्ल है, उसकी ही ये छोटी बच्चियाँ है।